पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया है। ममता बनर्जी बुधवार को पीएम मोदी से मिलने वाली हैं। ममता ने कहा कि इस बैठक के दौरान पेंडिंग पड़े फंड और राज्य के नाम में परिवर्तन जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। ममता बनर्जी मंगलवार को दिल्ली रवाना होंगी। बुधवार की बैठक का संभावित समय शाम 4:30 बजे है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी आज अपने गृह नगर गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में शामिल हुए। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से 70 साल तक भेदभाव हुआ, अब हम वहां विकास करने में सफल होंगे। मोदी ने कहा कि आज सरदार पटेल के सपने सच हो रहे हैं। देश में जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, तभी से चालान के हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। कहीं हजारों लाखों के चालान हो रहे हैं तो कहीं गलत चालान हो रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां 1.5 मिनट में ही एक कार का 2 बार चालान कर दिया गया। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस को बाहर से समर्थन कर रही बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बीएसपी के विधायकों को तोड़कर गैर भरोसेमंद व धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। ये बीएसपी मूवमेंट के साथ विश्वासघात है। कर्नाटक में जातिगत भेदभाव का शिकार अब बीजेपी के एक सांसद को होना पड़ा है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से सांसद नारायण स्वामी टुमकुर जिले के पावागढ़ के गोलारहट्टी में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें इसलिए गांव में घुसने से रोक दिया क्योंकि वे दलित जाति से ताल्लुक रखते थे। गांव वालों से इस दौरान थोड़ी बहस भी हुई, लेकिन सांसद को बेरंग लौटना पड़ा। फिल्म बधाई हो के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद एक्ट्रेस नीना गुप्ता का करियर नई ऊंचाई पर है। नीना ने इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में द लॉस्ट कलर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया है। बता दें कि द लॉस्ट कलर फिल्म भारत की विधवा महिलाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से ऐसी खबर सामने आई है जो किसी को भी सदमे में डाल सकती है। यहाँ एक भाई ने महज 10 रुपए के लिए छोटे भाई को भारी पत्थर से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद से बड़ा भाई फरार है। डिंडोरी जिले के महेंद्रवानी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गांव खैरैदा में ये घटना हुई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की हत्या से जुड़ा एक मामला सामने आया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मेडिकल की छात्रा नम्रता चंदानी नाम की लड़की की लाश मिली है। घोटकी के तालुका मीरपुर मेथेलो की रहने वाली नम्रता की लाश चारपाई पर पड़ी मिली। इसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और कमरा अंदर से बंद था। नम्रता के भाई डॉक्टर विशाल सुंदर ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। उसके शरीर के कई हिस्सों पर भी निशान है, जैसे कोई व्यक्ति उसे पकड़ रहा था। हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी मदद करें। सोशल मीडिया पर भी दंगे की व्यापक आलोचना की गई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम छेड़ी गई। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि 69वें जन्मदिन के अवसर में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। ट्वीट में लिखा कि 69वें जन्मदिन के अवसर में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। उनके अच्छे और सुखी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति हमारा मिशन और विचार है, व्यापार नहीं है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के जन्मदिन को 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन देखिए, चाय बेचने से लेकर दुनिया में ऐसे सम्मान से नवाजे गए हैं जो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राजनीति हमारा मिशन है और विचार है, राजनीति हमारा व्यापार नहीं है।